हमने स्टोर रूम की सफाई स्टार्ट कर दी है। हमारे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया जैसे कि हमारा स्टोर रूम कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें हमने रखी है। अब मैं इस पार्ट में आपको दिखा रही हूँ कि हम स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि मैंने सारे कपड़े नीचे बिखेर रखे थे, वो सारा हमने बोरी में डाल दिया है और अब हम सफाई स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम ऊपर से हमने क्या किया, पेटियाँ निकाली है, पेटियाँ दो पेटी खाली कर ली है हमने। कपड़े आपने देखा कि वो जो जितने भी कपड़े थे वो पेटियों में पड़ी, वो हमने अब इसमें शिफ्ट कर दिया बोरियों में। अब हम पेटियाँ खाली कर रहे हैं जो भी ऊपर पेटी रखी है, ताकि इसमें हम अपना माल पा सकें। माल से हमारा मतलब है हमारे कपड़ों से, कि कपड़े हमें पाने हैं इसके अंदर, जो भी हम माल खरीद के कपड़े खरीद के लेके आएंगे बेचने के लिए, वो सारे कपड़े हम इन पेटियों में डालेंगे। तो ये आपको याद ही होगा, ये एक्वा गार्ड का जो हमने डब्बा संभाल रखा है माल पाने के लिए, इसलिए हमने इसे फेंका नहीं था एक्वा गार्ड वाले में। फ्रेंड्स, वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, करप्ट हो गई थी, वो गलती से मेरे से कट हो गया और मैंने दूसरी जगह कॉपी कर ली, तो उस वजह से मेरा वो हाथ चला ही नहीं। फिर कभी दोबारा डालूंगी मैं। आप ये देखो क्या चल रहा है स्टोर रूम का, कैसा हाल है, क्या काम चल रहा है, क्या क्या मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं, फिर कहाँ शिफ्ट करेंगे ये सारा। तो अभी वो ढेर सारे कपड़े निकालेंगे मेरे बच्चे के, वो अब तक की उसकी यादें हैं, जो अभी तक 3 साल जो उसने कपड़े पहने, जो ये एक बहुत बड़ी पिचकारी ली थी फर्स्ट ईयर जब हमारी फर्स्ट होली थी, तो मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटमेंट में, मुझे याद है, उन्होंने बहुत बड़ी लंबी, सबसे लंबी पिचकारी खरीदी थी और इसे चलाने के बाद मैं इसका कांड हो गया था मेरे हस्बैंड का, उनका ना हाथ में, पता क्या, हाथ में खींच पड़ गई थी बाजू में, तो दोबारा उन्हें चलाने का मौका ही नहीं मिला। ये भी है, ये क्या था, याद है तुम्हें क्या था? मुझे रेड़ते थे ऐसे। हाँ, वो बच्चे रेड़ते नहीं है, चलना सीखते इस पे रेड़ रेड़ के, वो है। क्या डाल रखे हैं इसमें, ये देख सकते फ्रेंड्स आप, इसमें कितने सारे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है इसका सामान। इसकी ये वाली पिचकारी जो थी हम आर्मी के लिए लेके आए थे, है ना, याद है तुम्हें? और ये बड़ी वाली ये अपने लिए लेके आए थे फ्रेंड। इसमें हमने ये भी रख रखा है पत्तल पुत्तल, जो डिस्पोजेबल हमने ना पहले साल, वो मुझे याद है इन्होंने खाना रोटी रखी थी, तो पूरी गली वाली जो जो शादी में नहीं आए थे उनके लिए हमने अपना टेंट लगवा के गली में हलवाई बुलवा के खाना वाना का प्रोग्राम कर रखा था। तो अब आप देख सकते हैं डब्बा खाली हो चुका है, सारा सामान यहाँ बिखर गया है, और ये सारा सामान है हमारा आरवी का बचपन का सामान, इसके बचपन के झूले, इनकी शेरवानी, सब हमने स्टोर रूम में ही डाल रखी है फ्रेंड्स। अब हम जा रहे हैं स्टोर रूम की तरफ, बढ़ रहे हैं, और अब ये निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हो इस बोरी में, क्या रखने वाले हो? अच्छा, सारा सामान जो कपड़े हैं बाकी फेंकेंगे, ये सारा सामान अब ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसमें डालेंगे, इस बोरी के अंदर भरेंगे, और आप देख सकते हैं वो भर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जब छोटी थी मेरी बेटी, उसका कंबल है, आप देखिए ये सारी पेटियां इकट्ठी हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अभी हम ये सारी पेटी खाली कर लिया एक एक करके हमने, और अब हम चल रहे हैं अंदर, देखते हैं कितना काम हुआ है, चारपाई वगैरह, कूलर, अभी अभी हमने कल ही कूलर साफ किया था, और कूलर साफ करके हमने ऊपर रख दिया, फिर भी एक बार और तो साफ करना ही पड़ता है। अभी भी देखिए कितने कपड़े बाकी, अभी हमें ये भी खाली करना पड़ेगा, इस बोरी में भी कपड़े हैं भर भर के, उधर भी एक और अभी भी बचा है ना एक और, उस वाली बोर्ड, इसमें क्या है, ये क्या है, लाइटिंग है। अच्छा फ्रेंड्स, हम जो दिवाली को लाइटिंग जलाते हैं तो सारी तारे निकाल के हम ऊपर ही रख देते, तो जितना भी आपको पता है घर का जितना भी सामान होता है जो एक्स्ट्रा होता है वो हम सारा स्टोर रूम में रखते हैं। पटाखे भी देख सकते हैं आप, कि पटाखे भी हमारे पूरे यूज नहीं हो पाते, जो 1000-2000 के पटाखे लाते उसमें से भी काफ़ी बच जाते हैं हमने काफ़ी। तो जैसे गुरु नानक जयंती आती है, बर्थडे आता है गुरु नानक देव जी का नवंबर में वगैरह, तो उस पर भी जला लेते हैं कोई, जैसे अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता, हमने कुछ पटाखे उस पर भी जलाए, तो मतलब हम
अच्छा खासा जितने बचते हैं ना उनका हम साल भर में जैसे कोई जश्न होता है त्योहार होता है अब तो उस पर भी जला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी पटाखे हैं, मतलब आप ध्यान से देखिए कि हमारे घर में क्या क्या कचरा ऊपर पड़ा रहता है, हम क्या क्या ऊपर रखते हैं, क्या आप भी हमारी तरह इसी तरह रखते हैं। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे ना तो हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करिए ताकि और लोगों को भी हमारे वीडियोस अच्छे लगे, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और बताइए आप भी हमारी तरह ही अपना स्टोर रूम रखते हैं इसी तरह सजाकर, यानी गंदगी फैलाकर, ये और प्यार से रखते हैं, टाइम टू टाइम उसकी सफाई करते हैं। फ्रेंड्स क्या है ना कि मेरी बेटी छोटी है तो हमें टाइम नहीं मिलता। ये हमारा पेंट वगैरह वाला डिब्बा है, ये बकेट है, इसमें पेंट वगैरह रखते हैं, पेंट का जो भी सामान था वो कहते हैं संभाल के रखना नेक्स्ट टाइम आओ तो, वरना हर बार खरीदना पड़ता है। हमने ये सीमेंट की बोरी वगैरह भी रख रखी है, इसमें क्या है जाने मन? वाइट सीमेंट। अच्छा। और फ्रेंड्स वो हमने कपबोर्ड बनवाया था आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने बोला था कपबोर्ड जैसे साफ कुछ चिपचिपा वगैरह किचन में रह जाता है तो वो कहते हैं इससे साफ कर लो। वो वाली डब्बी कौन सी थी जिससे बोला था कि पेंट वगैरह कोई निशान रह जाता ना कहीं पेंट वगैरह का, तो एक लिक्विड सा आता है उससे ना लगा के रगड़ो तो साफ हो जाता है चिपकन। ये आपने देखा हमारा छोटा सा मंदिर है, मेरी जो सास है ना वो राधा स्वामी है, जो मेरी मम्मी जी है वो राधा स्वामी है, वो भगवान में तो विश्वास रखती है लेकिन बाबाओं को जैसे व्यास वाले बाबा जी को मानती है, तो उन्होंने बाबा जी की फोटो लगा रखी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऊपर मेरी किताबें पड़ी हुई है, BSc केमिस्ट्री वगैरह मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी तो ऊपर मेरी केमिस्ट्री की किताबें आदि मैंने दे दी है कबाड़े में, आदि मैंने संभाल के रखी है। चलिए अब आप मेरे हस्बैंड ऊपर चढ़ के सफाई कर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू मारेंगे अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो फ्रेंड्स हमने बोरियां ऊपर रख ली हैं साफ करके इस कपड़े से, आप देख सकते हैं इन्हें पसीना आ गया, काफी काम किया है, मैं इन्हें पकड़ाती गई हूँ और ये पहले इन्होंने इस कपड़े के द्वारा कपड़ा दिखाना इस कपड़े से पूरा ये शेल्फ साफ करी है और फिर ये बोरियां रखी है। और आपको पता ही शुरू में दिखाया था पार्ट फर्स्ट में कि कैसे कपड़े हमने आपको दिखाए, फिर सारे कपड़े डब्बों से निकाल के बोरियों में भरे और फिर बोरियों में रखने के बाद शेल्फ साफ करी फिर शेल्फ पे कपड़े रखे। फ्रेंड्स ये सहरा है, इनकी शादी में इन्होंने डाला था, ये अपनी शेरवानी के ऊपर सर पे सहरा पहनते हैं ना और ये इनकी शेरवानी है। अब फ्रेंड्स शेरवानी तो किसी काम आती नहीं है, लाइफ लॉन्ग ऐसे ही सांभ के रखना पड़ता है। तो हम क्या क्या लगा चुके हैं आपने देख लिया, सारी पेंट वेंट वाली बॉटलें, तारपीन, वो इन्वर्टर में पानी डालने वाला, वो गाड़ी में कूलेंट डालने वाला सब, और इधर इधर करके हमने सारी सब सजावट जितना भी फालतू सामान है हम ऊपर रखेंगे और जो ये नीचे वाला सेक्शन है इसमें हम अपना माल रखेंगे यानी कपड़े बेचने के लिए। फ्रेंड्स इधर भी हमारे तारे तूड़े पेंट ब्रश ये जितना भी फालतू सामान है आप देख सकते हैं, ये इन ऑल आउट वगैरह पेंट वगैरह तारे तूरे ये बिजली कीले वगैरह जो लगती कीलों का सामान देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सारे जो कीले वगैरह है ना और ऐसे ठोकने वाला, ये देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे ठोकने वाला हैमर नहीं होता हैमर टक टक टक, ये सारा, और ये घिसाई का सामान नहीं होता वो सब कुछ है। अब देखिए फ्रेंड्स चलो ये भी हो गया, इसमें हमने थोड़ा वाइट सीमेंट वगैरह रख रखा है कि कभी कभार घर में कहीं से सीमेंट उखड़ जाता है, कहीं से छेद छूद हो जाता है, वहाँ खुद ही सीमेंट लगा लेते हैं प्लम्बर को बुला के या और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे नीचे हमने लकड़ी, हमने जब कपबोर्ड बनाया था जितनी भी फालतू लकड़ियाँ पड़ी थी वो हमने सबसे नीचे वाले सेक्शन में रखी हैं। ये लकड़ियाँ हम क्या करते हैं लोहड़ी पे जलाते हैं, ये फालतू लकड़ियाँ ऐसे नहीं वेस्ट नहीं होती, हम जब भी लोहड़ी आती है तो इन्हीं लकड़ियों को काट पीट के छोटा कर करके या बड़ा करके ऐसी लोहड़ी या होली पे जला लेते हैं। फ्रेंड्स हो गया ये सारा, ऊपर का खाना लगभग हो गया, अभी
नीचे कूलर की सेटिंग, फिर ये सफाई करेंगे, ये शेल्फ साफ करना है कपड़ा लेकर। क्या भाई अब काम नहीं आनी है कबाड़ी। ये बाजरा वगैरह सब ऊपर रख दे, अब भर गया हमारा ऊपर वाला खाना। तो फ्रेंड्स अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सफाई कर रहे हैं, यहाँ माल खाना है। यहाँ हमने टाइल रख रखा, टाइल को तो यही रहने देते हैं ना। टाइल के तो ऊपर ही खा रहे हैं, तो जैसे कभी नीचे का खराब हो रहा है कहीं का टाइल तो वहाँ ऊपर वाके लगा दिया। दो टाइले तो है ही, और जहाँ जहाँ टाइले खराब हो घर में क्या करना होता है फ्रेंड्स, घर की मेंटेनेंस जरूरी है। धीरे यहाँ पे थोड़ा कपड़ा भी, ये गुलाल पड़ा है, ये भी किसी काम का नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा है फालतू का। इसको यहाँ पे कपड़ा मार दो ना, कपड़ा 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 ये पड़ा है कूलर पे। गीला करके मार दो थोड़ा। नहीं नहीं ना, ऐसे सही सलाब जाएगा, मिट्टी सलाब जाएगा ना, फिर कपड़े भी चलो भैया अब दो खाने की तो सफाई होगी। मेन लकड़ियों का क्या, ये रहने देते हैं ना, इसका ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं। लकड़ियां जैसे जैसे जलती जाएंगी लोहड़ी और होली पे, होलिका दहन पे, वैसे वैसे खाली होता जाएगा, अपने आप सफाई हो जाएगी। तो कुछ माल हम इधर भी डब्बे ला के माल इधर भी पा सकते हैं, तो बस ठीक है। और ये थोड़ा एक बार निकाल के पूरा, ये कूलर और ये निकाल के मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा रहे, तो फिर आराम से दोबारा ऐसे ही लगा देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमने इधर से आप देख सकते हैं पीछे कूलर, चारपाई, बेबी सीटर, वॉकर, जो भी जितना भी सामान था हमने निकाल लिया है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, आप देख सकते हैं अब खाली होके कितना अच्छा लगता है ना स्टोर रूम। अब ऐसा लग रहा है कि कितना अरेंज है, व्यवस्थित है, गंदगी नहीं लिख रही। तो मैंने सोचा ये शेरवानी है, ऐसे हम कबाड़े में दे देंगे तो वेस्ट ही हो जानी है, और ऐसे किसी को दे दो तो काम आ जाती है। जैसे किस अब तेरे भाई की शादी नहीं हुई है तो तेरे काम आ जाएगी, या किसी और जिस किसी और को दे दो जिसके शादी वादी नहीं हुई है कहीं, तो किसी के काम आ जाती है ना। ऐसे वेस्ट करके भी क्या फ़ायदा है। अब ये भी है, सहरा भी है, सहरा भी एज इट इज़ न्यू है। हमने सोचा ये एक याद होती, कोई और पहन लेगा, किसी का काम आ जाए, वेस्ट करके दिल भी दुखता है कि नहीं। लेकिन चल ठीक है, फिर जाते वक्त मैं तुझे दे दूँगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ रख देती हूँ संभाल के, मैंने इसलिए संभाल के रख रखा, मैं कहा पूछ लेती हूँ तेरी राय जान लेती हूँ, नहीं तो फिर किसी और खरीदेंगे, ठीक है। चल अब मैं, चलिए अब झाड़ू लग चुके हैं, अब पोछा लगा लेते हैं। इधर सोनिया की बोलते हैं, सोनिया भी कर रहे हैं, इधर ये आए जो स्टार्टिंग में कर रख दो, ये जो चीजें जहाँ थी ना वही लगा देती हूँ ना। तो अब फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जो चीजें जहाँ थी वहाँ लगा रहे हैं, वो कूलर अपनी जगह पे लगा रहे हैं, ये भी फेंक दो वायर। तो फ्रेंड्स अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं बेबी सीटर, जो भी चीजें जहाँ थी, इतनी स्पेस बच गया ना, झाड़ू लग जाएगा, पहले दोनों उस साइड थी ना एक ही। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज हमारी सफाई कंप्लीट होती है। स्टोर रूम देख सकते हैं कैसा लग रहा है हमारा स्टोर रूम सफाई के बाद, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिए। अब लग रहा है कि क्लीन स्टोर रूम है कि नहीं? और आप स्टार्टिंग से कंपेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।